Dear students, today we'll discuss about velocity time graph. Last lectures में हमने जैसे पढ़ा था, हमने displacement type graph के बारे में पढ़ा। Okay, तो तीन important चीजें थी जो graph के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहली क्या थी कि how to read graph, okay? How to read graph, okay? और जो हमारे पास second important थी वो हमारे पास क्या थी? Slope। और जो हमारे पास third important थी वो क्या थी? एरिया। ऐसा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लास्ट था उसमें एरिया तो कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन इसमें जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, ओके, मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ आपके पास। और यहाँ पे भी इसी तरह था जिस तरह हमने कहा था कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? इंडिपेंडेंट चीज, और वाई एक्सिस पे हमारे पास कौन सी होती है? डिपेंडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? टाइम। और हमारे पास जो y एक्सिस पे हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी। ओके, देखिए अब हमने जो y एक्सिस और x एक्सिस से हमने बता दिया कि रीड कर लिया कि कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे पास कोई बॉडी है और यू मूव कर रही है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें देखें आप कि इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप होगी वो मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये ए पॉइंट है और ये मेरे पास बी पॉइंट है, और मेरी बॉडी मूव करती है ए से बी, तो इसकी स्लोप क्या होगी? क्या ये हमें एंगल पता होना चाहिए या हमें इसकी क्या हाइट और हमें बेस पता होना चाहिए? तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास वाई है और ये यहाँ तक कितनी है? ये एक्स है। तो हमारे पास जो स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है? वो वाई बाय एक्स के। अच्छा स्टूडेंट, y बाई एक्स अब बन के रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो y हमारे पास यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, और ये सेम चीज उसी तरह होगी जिस तरह हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में करके आएंगे। और x हमारे पास क्या है? x एक्सिस पे टाइम। तो वेलोसिटी बाई टाइम हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास क्या बनती है? एक्सलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्लोप जो होगी वो हमें क्या बताएगी? वेलोसिटी टाइम की, वो हमें बताएगी एक्सलेशन। और अच्छा, अब एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व वो हमें क्या बताएगा? अब देखें, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये उसकी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक उसकी बेस होगी। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमारे पास ये है, ये विड्थ तो नहीं है क्योंकि आप अपवर्ड ले रहे हैं, तो इसको मैं कह देता हूँ ये हाइट। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये देखें, अगर इस ए से पॉइंट, ए से बी पॉइंट तक मैंने एरिया निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा? ये ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल का एरिया मेरे पास होता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस मेरे पास कितनी है? एक्स, और हाइट कितनी है मेरे पास? वाई। और अगेन आ जाएं हम, अगर यहां से देखते हैं ए से बी, तो ये मैं लिखूंगा हाफ, बेस मेरे पास क्या है? टाइम, और हाइट क्या है मेरे पास? हाइट मेरे पास है वेलोसिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बनता है। ओके, अब वेलोसिटी इनटू टाइम देखें, हमारे पास जो एक्सेलरेशन थी वो किसके बराबर थी? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हम इसको वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? देखें, वेलोसिटी इनटू टाइम, आपने डिस्प्लेसमेंट का जो वेलोसिटी का फार्मूला था वो क्या था हमारे पास? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर टाइम को आप वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देती हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है? वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल है जिससे मैं आपको से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स, तो आप स्टार्ट करते हैं, एक मेरे पास जो बॉडी है ये मैं कहता हूँ मेरे पास ए पॉइंट है, और ए पॉइंट से ये ई पॉइंट तक मूव करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये देखिएगा, ए, ये मेरे पास बी पॉइंट हो गया, ये मेरे पास सी पॉइंट है, और ये मेरे पास, ये जो है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूँ के। ओके, और ये जो हमारे पास पॉइंट है ये मैं कहता हूँ डी पॉइंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक्सलेशन निकालनी है कहाँ से? ए से बी तक, एक्सलेशन एंड ए से बी तक, हमारे पास यहाँ पे देखें जो y2 है हमारे पास कितना आ रहा है? 60। तो ये 60 माइनस y1 हमारे पास कितना है? 0। x2 हमारे पास कितना है? ये x2 हमारे पास 10।
माइनस जीरो। तो एक्सलेशन हमारे पास क्या आ रही है, एक्सलेशन मेरे पास आ रही है 6 मीटर पर मिनट स्क्वेयर। अच्छा ये मिनट स्क्वेयर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखें ग्राफ में गिवन था कि जो वेलोसिटी है हमारे पास वो मीटर पर मिनट के बराबर थी, तो एक्सलेशन किसके बराबर होगी, एक्सलेशन हमारे पास मीटर पर मिनट स्क्वेयर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर बी से सी में आते हैं, देखें एक्सलेशन बी टू सी, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये एक्सलेशन हमारे पास क्या होगी, जीरो। मैं क्यों इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैं लिखूंगा, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंज, वेलोसिटी इज नॉट चेंज, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो ये हमने पढ़ा हुआ है, देखें बॉडी मूव कर रही है आपकी, बॉडी क्या कर रही है आपकी, मूव कर रही है, उसके पास वेलोसिटी है लेकिन वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये सी टू डी पे चेक करते हैं। अब देखें अगर हमारी बॉडी थी, मैं बताता हूँ आपको, ए से बी जो आपकी बॉडी है उसने मूव किया और उसकी देखें कंटिन्यूसली हमारे पास क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ी, स्पीड बढ़ी। फिर एक टाइम आता है बी पॉइंट पे हमारी गाड़ी की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास सेम हो जाती है। और फिर सी पॉइंट पे आता है वो, अब गाड़ी अब क्या सी पॉइंट पे क्या करती है, सी पॉइंट पे गाड़ी ब्रेक लगानी होती है। और फिर एक पॉइंट आता है गाड़ी क्या करती है, गाड़ी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और फिर अपनी स्पीड इंक्रीज करती है। ओके मैं क्या कह रहा हूँ, जो के पॉइंट है, के पॉइंट पे गाड़ी ने क्या किया, गाड़ी स्लो डाउन हो रही थी और गाड़ी स्लो होते होते गाड़ी ने क्या किया, गाड़ी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। डायरेक्शन देखें ये ऊपर जो था हमारे पास ये पॉजिटिव था और ये अब नीचे आ गई, तो इसने क्या किया, गाड़ी ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख सकते हैं जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या नेगेटिव हो रही, तो वेलोसिटी का नेगेटिव होने का मतलब अगर आप एज्यूम करते हैं कि मैं गाड़ी को इस तरफ पॉजिटिव लेना चाह रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी इस तरफ पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप इस तरफ अगर आपकी गाड़ी मूव करेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास नेगेटिव हो गई। देखें आपने अज्यूम किया था कि ऊपर मेरे पास वेलोसिटी पॉजिटिव, तो आपकी गाड़ी अगर ऊपर जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी, और ये जो के पॉइंट आया यहाँ पे गाड़ी हो रही थी स्लो, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती गई, और एक पॉइंट क्या आया कि के पॉइंट आया और के पॉइंट पे आपकी गाड़ी ने टर्न ले लिया और वापस चलने लग गई, और वापस से आके वो अपनी स्पीड को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो के पॉइंट है, मैं के पॉइंट पे आपको सी से के तक एक्सलेशन दिखाता हूँ, सी के। ओके ये हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे वाई टू हमारा कितना है, यहाँ पे हमारे पास वाई टू जो है वो हमारे पास जीरो है, और जो वाई वन है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास 60, तो जीरो माइनस 60 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हमारे पास देखें सी पॉइंट पे एक्स कितना था, एक्स वन हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास 15, क्योंकि 5 का ब्लॉक है। ओके यहाँ 15 आएगा, और माइनस हमारे पास जो एक्स टू है वो कितना है, 30। तो ये हमारे पास जो एक्सलेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है माइनस 60 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारे पास कितनी आ रही है एक्सलेशन, आप देख सकते हैं 15 फोर सा, माइनस 4 मीटर पर मिनट स्क्वेयर। अच्छा इस पॉइंट पे जो सी पॉइंट पे के पॉइंट पे सॉरी आपकी गाड़ी ने क्या किया है, रिवर्स डायरेक्शन की है, और आपकी गाड़ी अब क्या कर रही है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है। देखिए डायरेक्शन ऑपोजिट हो और स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो एक्सलेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। और स्टूडेंट्स अब आपकी गाड़ी वापस यहाँ पे अपनी क्या कर रही है, अब यहाँ पे जब ये पॉइंट आया डी पॉइंट पे गाड़ी ने अपने क्या किया, अपने आप को स्लो डाउन स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, स्लो करी, और देखिए आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्सलेशन क्या हो रही है, वो जीरो की तरफ जाती है। तो ई पॉइंट पे दोबारा उसकी एक्सलेशन क्या हो गई है, एक्सलेशन उसकी जीरो हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।